अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तो आप दूसरी तरफ मुंह करके सेल्फी ले लें, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाए। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, अपनी बीवी को इतना खुश रखूंगा, इतना खुश रखूंगा, मेरी सास खुद बोलेगी जा बेटा मेरी दूसरी बेटी मिली। ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को, चलो करते हैं नाश्ता। आप दोनों भी इस बात से इत्तेफाक करोगे, औरतें जिससे मोहब्बत करती है ना, औरतें जिससे मोहब्बत करती है उस पर ध्यान ना देने का बहाना करती है, मगर साथ ही उसको ऐसे देखती है जैसे बिल्ली चूहा देखती है। यार पता है, कभी कभी मेरा जी चाहता है किसी को परेशान कर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सुकून से जी कौन रहा है। दरवाजा खोलते ही लड़की ने लड़के से कहा, अब क्यों मेरी जिंदगी में वापस आए, परसों मेरी शादी है। लड़के ने कहा, टेंट और कैटरिंग का ऑर्डर हमें मिला है, अब क्या अपना काम भी ना कर। अच्छा ये बात भी सही है कि रिश्तेदारों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, फ्री में सीसीटीवी कैमरा लगवाना। कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो 24 घंटे काम करता है, लेकिन सिर्फ दो ही जगह बंद हो जाता है, एक एग्जाम्स के वक्त और दूसरा बीवी पसंद करते वक्त। चीज नोटिस की है, कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, उन्हें रोको तो कहती है जाने दो ना, और जाने दो तो कहती है यही चाहते थे ना तुम। देखो हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बड़ा अजीब कर लिया है। आप देखो, सोने के लिए बेहतरीन जगह क्लासरूम, खाने के लिए बेहतरीन जगह बेडरूम, और सोचने के लिए बेहतरीन जगह वॉशरूम। अभी दो दिन पहले की बात है, मैं एक तोता खरीदने गया। मैंने तोते वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तोता कितने का, कह रहे 7 लाख रुपए का। मैंने कहा 7 लाख रुपए का तोता, मैंने कहा इस तोते में ऐसी क्या खास बात है। वो कह रहा आप इसकी सीधी टांग उठाओगे ये नए गाने सुनाएगा। मैंने बोला अच्छा, कह रहा आप इसकी उल्टी टांग उठाओगे ये पुराने गाने सुनाएगा। मैंने कहा बाबा, मैंने कहा अच्छा अगर मैं इसकी दोनों टांगे उठाऊं, कह रहा फिर ये मां बहन की सुनाएगा। ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। आप देखो, बादाम कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल आंखों जैसी है, अखरोट कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल दिमाग जैसी है, पिस्ता कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल गुर्दे जैसी है, बराबर में केला खामोश बैठा हुआ था, वो कह रहा है प्लीज आप एक दूसरी बात करें यार। देखिए हमारी पाकिस्तानी टीम का हाल भी उस पुरानी बंदूक जैसा है, जिसका मालिक भी डरता है कि पता नहीं एंड टाइम पे चले ना चले, और सामने वाला भी डरता है क्या पता चल जाए। के आहिस्ता आहिस्ता दिल के करीब आ रहा है कोई, आहिस्ता आहिस्ता दिल के करीब आ रहा है कोई, आहिस्ता आहिस्ता दिल के करीब आ रहा है कोई, ये सच्ची मोहब्बत है या चूना लगा रहा है। हमने भी जॉब की 1992 में, मैं एक पहली बार जॉब के लिए गया, उन्होंने मेरी सीवी देखकर कहा अभी हम आपको शुरू में 15,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, बाद में 30,000 रुपए कर देंगे। मैंने बोला ठीक है फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। फिर बाद में यही नहीं, मैंने कौन जा यार। ये भाई वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है सुबह उठ के फिर से सोने। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत कैसे बनी, कैसे? एक खातून ने सोने की चैन पहनी हुई थी, डाकू आया सोने की चैन खींची और दबा के भाग गया। कल मैं इतना उदास हुआ, कल मैंने अपने दोस्त को कॉल की ताकि मेरी उदासी दूर हो जाए। हाँ। 10 मिनट बात करने के बाद मुझे ही कहना पड़ा, यार परेशान नहीं हो, अल्लाह सब ठीक करे। शौहर ऐसा होना चाहिए, अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए ना, तो शौहर ये बोले नमक ठीक है मैं सब्जी कम लाया। शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा।